आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 546 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,34,965। वहीं उत्तराखंड में 3,10,291 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 11,885 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 13 मरीजों की हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल परवान नहीं चढ़ पा रही है। ग्रामीणों को आज भी जान जोखिम में डालकर खुद ही पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। ताजा मामला नारायणबगढ़ के ग्राम पंचायत अंगूठा के ग्राम सभा भेला बासिनी का है, जहां पर गांव में पिछले 5 दिनों से पानी नहीं आने पर गांव के लोगों द्वारा स्वयं ही गांव से 6 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी चट्टानों में जाकर पानी के क्षतिग्रस्त पाइपों को जोड़कर पानी की सप्लाई शुरू करनी पड़ रही है। यहां पर नारायणबगढ़ ब्लॉक के सुदूर क्षेत्र से आते हैं। हमारे गाँव ग्राम पंचायत का नाम अंगूठ है। आज जैसा कि आपने देखा होगा, हम सुबह से लगातार पानी की पाइपलाइन को ठीक करने के लिए पूरे गाँव के साथ जा रहे थे। हमारे गांव में दिक्कत ये है कि वर्ष 2013 में सजल परियोजना के अंतर्गत इस लाइन को बिछाया गया था, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार वो हर घर जल योजना के अंतर्गत उस लाइन का स्थानांतरण हो गया है, लेकिन तब भी जब वहां पे पाइपलाइनें टूटती हैं तो इसी प्रकार गांव के युवा एकत्रित होकर अपनी जान को जोखिम में डालकर ऊपर जंगलों में, सुदूर जंगलों में जाते हैं। कई बार ऐसे हादसे होते हैं कि कई लोग फिसल जाते हैं लेकिन बच जाते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। इसी प्रकार हम देखते हैं कि गांव वालों का भरपूर सहयोग रहता है, लेकिन जल संस्थान या किसी अन्य जो परियोजना के अंतर्गत कार्य हुआ है उन लोगों का कोई रुझान नहीं रहता, कोई वे बिल्कुल उदासीन कार्य करते हैं यहां पर। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला नैनीताल द्वारा कोटाबाग मंडल में गरीब और निर्धन परिवारों में आयुष किट और मास्क वितरित कर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर जिला महामंत्री नीरज बिष्ट और जिला उपाध्यक्ष गौरव जोशी ने कहा कि कोरोना महामारी में युवा मोर्चा लगातार हर जरूरतमंद तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है। मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर द्वारा अपने संसाधनों से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को राशन वितरित किया गया। जसबीर कौर द्वारा महिलाओं को आटा, दाल, चावल, आलू, चाय की पत्ती, चीनी आदि उपलब्ध कराई गई। जसबीर कौर का कहना है कि व्यापारी काफी परेशान है लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना काल में आप सही कह रहे हैं कि जो आम जनता है उसकी कमर टूट गई है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से लगातार बेरोजगारी चल रही है और परिवार में कोई भी कहीं भी काम करने नहीं जा रहा, कोई भी नहीं पूछ रहा था, क्योंकि वो ना कहीं राशन लेने जा रही हैं और जिस हिसाब से भीड़ में राशन बंट रहा है, हमारे माननीय विधायक जी बांट रहे हैं, पर वहाँ कोई नियम कानून नहीं है। वहाँ पर ट्रक आता है और अपने अपने लोगों की लिस्ट बनाई जाती है और वही लोग चार चार बार, पाँच पाँच बार ले जा रहे हैं। कई संस्थाएँ आती हैं बांटने के लिए, वो भी उनको भी पिक्चर पैलेस पे ही रोक दिया जाता है। और शहर के बाहरी क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, जहाँ गरीबी है, काम नहीं है, बेरोजगारी है, और वहाँ तक वो उन लोगों तक ये राशन नहीं पहुँच रहा नहीं है, सिर्फ ये कागजों में और किताबों में और पेपर्स में ही आ रहा है और मीडिया में आ रहा है, क्योंकि हम तो धरातल से जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि राशन कार्ड पर क्या हो रहा है इस टाइम, क्योंकि राशन कार्ड पर पिछले कई वर्षों से ऑनलाइन का ड्रामा चल रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो पेपर दे दे के थक गए। बार बार आधार कार्ड दो, बिजली का बिल दो, गैस कागज दो, और उनके कहीं भी कागज ऑनलाइन नहीं हुए। अब जब ऑनलाइन नहीं हो तो उन लोगों को राशन नहीं मिल रहा। रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय में सांसद प्रतिनिधि इंदर सिंह रावत ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। कोविड के चलते रक्त की बहुत कमी हो जाने की वजह से ब्लड कैंप लगाया गया, जहां भर्ती हुए रक्त को बीमार और अस्वस्थ रोगियों को ब्लड देकर उनकी जान बचाई जा सके। लक्सर क्षेत्र के मुंडा खेड़ा कालापानी में बीते 5 जून को एक 80 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर लक्सर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मामला संदिग्ध लग रहा था, जिसके बाद से ही पुलिस जांच में जुट गई। इस घटना का SSP हरिद्वार ने खुलासा किया। घटना में शामिल राहुल नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। 1.94 करोड़ रुपए की लागत से बन रही मुनस्यारी पेयजल योजना के तीसरे टैंक में 28 दिन के लिए जांच हेतु भरा गया पानी ठेकेदार ने चौथे दिन ही खाली कर दिया। कल ठेकेदार टैंक की मरम्मत के लिए सुबह मजदूरों को लेकर आया। नायब तहसीलदार भुवन वर्मा के कहने के बाद भी बार बार मरम्मत कार्य करने की कोशिश करने लगा। पुलिस बुलवाने पर ठेकेदार वापस लौटा। मुनस्यारी पेयजल योजना के विवाद में रोज नया मोड़ आ रहा है। 4 जून को उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह की उपस्थिति में जल निगम DDR के ई के सामने तहसील के निकट बने टैंक को जांच कमेटी की सिफारिश को आधार मानकर 28 दिनों के लिए पानी भरा गया। पहले तो ठेकेदार और निगम की मिलीभगत के कारण आधा टैंक ही पानी भरा गया। पानी भरने के चौथे दिन सोमवार को बिना SDM से
अनुमति लिए बगैर निगम के ठेकेदार ने टैंक का पानी खाली कर दिया। स्वच्छता अभियान को लेकर हमारे देश में बहुत सी योजनाएं बनाई गई है, जिसमें बहुत सी योजनाएं चल रही है और कुछ बंद भी हो चुकी हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के रामनगर शहर में कल पत्रु वृक्ष मित्र समिति के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष अतुल मेहरोत्रा के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के क्षेत्र सीताबानी की तरफ चलाया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों द्वारा फैलाई गई गंदगी को जैसे चिप्स, नमकीन और खाली पैकेट, बियर की बोतल, शराब की ब्रांडेड बोतलों को सड़क के किनारे तोड़ दिया जाता है, जिससे जानवरों को कई बार नुकसान हुआ है। इसी के मद्देनजर अतुल मेहरोत्रा के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा रोजाना एक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। देखिये, चूंकि एक संस्था हम कल्पतरु चलाते हैं, जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ, और जो टेढ़ा में हमारा पार्क है कोसीघाट अस्थि पार्क, उसमें रेगुलर हम काम करने आ रहे थे। तो लॉकडाउन के दौरान समय थोड़ा हमारे पास भी जा रहा था, और जब इस सड़क की तरफ बढ़े तो देखा कि अनगिनत मात्रा में अंकल चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट, प्लास्टिक के गिलास, बिस्तर की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल, बियर के टिन, बियर की बोतल, विस्की की बोतल, और भी जो दुर्भाग्यशाली चीज़ थी वो थी टूटी हुई बोतलें बियर और विस्की की। तो बड़ा मन दुखी हुआ। मैंने शेयर किया अपने साथी विजय सिंह और भूपिंदर से, दोनों लोगों ने सहमति दी और अगले दिन से हमने बीड़ा उठा लिया। आज लगभग 19 दिन हमको हो गए हैं इस सड़क पर कूड़ा बीनते हुए, और इस समय हमारी तादाद 1000 से ऊपर तो बोतल, और कम से कम 200-300 बोतल का ग्लास के लिए, आप चूरे की बात करेंगे तो कम से कम 1,00,000 पीस हम उस ग्लास के चूरे की बीन चुके हैं, और कई हजार मात्रा में ग्लासेस, खाली चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट, बिस्कुट के पैकेट, थर्माकोल की के ग्लासेस, थर्माकोल की प्लेट्स। तब आप देखेंगे कि आने वाले समय में टेढ़ा बैरियर से लेकर और भंडार बने तक हम वादा करते हैं कि कम से कम पुराना कूड़ा आपको कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। नया तो ठीक है, कहाँ टूरिस्ट आएगा फिर फेंक जाएगा, तो उसको तो हम बाद में बीन पाएंगे। तब एक मन में इच्छा है, एक जुनून है, देखते हैं कि सहयोग रहा लोगों का तो इस काम को पूरी तरह से आगे बढ़ाएंगे। अल्मोड़ा जिले के भतरोज खान पुलिस ने चेकिंग के दौरान चौकी तिराहा भिकियासैंण के पास एक वाहन को चेक करने पर अभियुक्त कुंवर सिंह के कब्जे से 20 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्कर के साथ गिरफ्तार कर थाना भतरोज खान में महामारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की गई। हिमालय बैंक प्लांट द्वारा चिन्यालीसौड में पुलिस थाना, धरासू, पुलिस चौकी, टुंडा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड और कृषि विज्ञान केंद्र सहित फ्रंटलाइन कर्मियों और ग्रामीणों को गिलोय काढ़ा वितरित किया और चिन्यालीसौड के शक्तिपुरम में एक हर्बल गार्डन तैयार किया गया। ऋषिकेश कोतवाली अंतर्गत श्यामपुर चौकी के निकट विख्यात प्रॉपर्टी डीलर के पुराने मकान के खंडर से एक अज्ञात व्यक्ति का बक्से में बंद नर कंकाल मिलने के बाद श्यामपुर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मंगलवार की दोपहर लगभग 1 बजे श्यामपुर पुलिस चौकी को सूचना मिली कि गुमानीवाला स्थित एक विख्यात प्रॉपर्टी डीलर के पुराने मकान के खंडर में जब प्रॉपर्टी डीलर का पुत्र अचानक पहुंचा तो खंडर से बदबू आ रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब बक्से को खोला तो उसमें एक नर कंकाल मिला। ये यहाँ पर चौकी से 200 मीटर दूरी पर ये खंडर है और काफ़ी छुपी हुई जगह है। यहाँ पे ये अवैध अडवाणी जो हैं, इनका ये गोदाम था और ये गोदाम साइड से खुला हुआ है, जिसका पीछे की तरफ खंडर है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये बता रहे हैं कि बंद है, इसकी जांच की जाएगी। इसमें अंदर एक नर कंकाल मिला है, मानव कंकाल मिला है। FSL की टीम हमारी ये आ रही है, उसको हमने सारा एरिए को हमने, जैसे आप देख रहे हैं, हमने सबको सेफ कर दिया है। FSL की टीम वहाँ से उसे उठाएगी और उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी की जाएगी, आसपास से पूरी जानकारी की जा रही है, और जो भी इसमें संदिग्ध हैं उन सबसे पूछताछ के लिए हमारी अलग अलग 8 टीमें हमने लगा दी। शीघ्र हम इसके बारे में जानकारी कर लेंगे कि ये है क्या। रुड़की हरिद्वार तिराहे पर लगी शिव मूर्ति को, जिसे पिछले कई महीने से रस्सियों से जकड़कर बंधक बनाया हुआ था, जिसका कल अनफानन में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने अनावरण कर दिया। नगरवासियों में अलग अलग भी चर्चाएं चल रही थी कि भगवान शिव को बंधक बनाकर हिंदू धर्म संस्कृति का अपमान किया जा रहा है। हल्द्वानी में कल 45 दिन बाद नई गाइडलाइन के अनुसार बाजारों को खोला गया, जिसमें बाजारों में दुकानदारों के पास ग्राहकों की रौनक दिखाई दी। वहीं दुकानदारों का कहना है कि लगातार 45 दिनों से बंद हल्द्वानी का बाजार बंद था, जिसमें करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ है। व्यापारियों की लगातार सरकार से मांग की है कि सरकार ऐसी गाइडलाइन जारी करे जिससे सरकार को भी और जनता को भी कोई नुकसान न हो। आज ये करीब 1.5 महीने बाद जो बाजार खुला है, इस वजह से थोड़ा व्यापारियों को थोड़ा राहत है और थोड़ा बहुत ग्राहकों की आवागमन हो रहा है, जिससे कि व्यापार आगे को चलने की थोड़ा बहुत उम्मीद है। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने जन जागरूकता अभियान के तहत अल्मोड़ा जिले के विकास खंड बैंसिया छाना के ग्राम नौनीनूठ, नैनी, न्योली, तरुला आदि क्षेत्र का भ्रमण कर कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया।
और मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, अन्य आवश्यक सामग्री जगह जगह पर वितरित की गई और लोगों को आगे भी इस कोरोना काल में हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत की देखरेख और कुशल मार्गदर्शन में स्थापित नेत्र कोष विभाग लोगों की सतत सेवा में जुटा हुआ है, जिसके चलते अब तक नेत्र कोष विभाग में 108 व्यक्तियों की मृत्यु के उपरांत नेत्रदान किया जा चुका है, जबकि 113 नेत्रहीनों लोगों को सफलतापूर्वक कार्निया प्रत्यारोपण किया जा चुका है। इसी क्रम में वीरभद्र मार्ग ऋषिकेश निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उनके परिवारजनों ने मृतक की इच्छानुसार उनका नेत्रदान कराया, जिससे दो नेत्रहीन लोगों को नेत्र ज्योति मिल सके। पौड़ी के रिकनीखाल प्रखंड के ग्राम टकोली खाल में बकरी चुगाने गए एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया और बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद जितेंद्र को डोली में सड़क तक लाया गया, जहां से रिकनीखाल हॉस्पिटल उपचार हेतु भेज दिया गया। रिकनीखाल चिकित्सा केंद्र में उपचार न मिलने से 3 बजे लगभग कोटद्वार को रेफर किया गया, जहां से मरीज को ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जंगली जानवरों द्वारा लोगों पर हमला किया जाता है, क्षेत्र में उपचार नहीं मिलने पर अधिकांश मरीज दम तोड़ देते हैं। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी, मेरा उत्तराखंड।